थोड़ी देर मंत्र जप ले तो उसका निश्चित कल्याण हो जाता है जो शरीर छोड़ने वाला है। उस वातावरण में यमराज के दूत प्रवेश नहीं करेंगे या उसके शरीर के समीप पहुंच करके उसे छू दे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये कोई जवानी शब्द नहीं, केवल तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। भगवत प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग है भगवान का नाम जप, और इस विधि में इतनी शक्ति है कि अगर कोई भी व्यक्ति प्रभु का नाम जप करता है तो उसे ऐसी शक्तियां मिलती हैं जिससे वो किसी पापी मनुष्य को भी सिर्फ छूकर उसे पवित्र कर सकता है। नाम जप से इन शक्तियों को आप कैसे पा सकते हैं, जानिए श्री गुरु जी के इस सुंदर प्रवचन में और पुण्य के भागी बनिए। राधे राधे। हमें न परमार्थ समझना है, न कल्याण, न मोक्ष, न भगवत प्राप्ति, पर हमें चैन से जीना है। इसलिए 24 मिनट नाम जप कर लो, 24 घंटे में बिल्कुल छूट है। 24 मिनट नाम जप कर लो, थोड़ी श्रद्धा बने तो अच्छा, न बने तो कोई बात नहीं, हमारी प्रार्थना मान करके शुरू कर दो। हम हाथ जोड़कर चरण वंदना करके आपके मंगल के लिए, आपके परम सुख के लिए कहते हैं। यदि आप 24 मिनट हमारे करुणा निधान प्रिया प्रीतम का नाम जप कर लिए तो फिर आप देख लेना परिणाम क्या होगा, महामंगल। अगर एक घड़ी भी आपको ऐसा रुचि ना बैठे तो आधी घड़ी, 12 मिनट, 24 घंटे में 12 मिनट दे दो हमारे प्रभु के नाम के लिए। ये माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। एक नाम त्रेलो कहीं तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। हमारे प्रभु बहुत कृपाल, राई के सम भजन को मानत मेरु। निष्काम हो करके, क्षमावान बन करके, नाम जप करते हुए जो हमें परम पद की प्राप्ति का ये अवसर मिला, हम काम क्रोधादि से युक्त हो करके अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। पर शुद्ध हृदय ना होने के कारण ये बातें आपको समझ में नहीं आती। प्रार्थना है, किसी की तो मान ले। ऐसा तो नहीं कह रहे कि आप 8 घंटे पद्मासन लगा के बैठे, 24 मिनट मात्र, 25वां ना बैठना, 24 मिनट। आप एक नियम ले लो, हम उनसे प्रार्थना करते जो नाम धाम रूप लीला से विमुख होकर विषयों में रमण करते हैं, वो एक घड़ी हमारे प्रभु के लिए दे दे, फिर वो देखे उनका जीवन कैसा श्रृंगारित होता है। अभी उजड़ा हुआ जीवन, उजाड़ दिया इन विकारों ने आप। थोड़े दिन नाम जप कीजिए, फिर ऐसा अनर्थ निवृत्ति होकर रुचि होगी कि आपसे कसम दिलाई जाए कि अब आप नाम जप ना करना, तो भी आप नहीं, कसम का निर्वाह नहीं कर पाएंगे। बिना नाम जप के आप जी नहीं सकते। ये नाम ऐसा अमृत है, ये ऐसा महाअमृत है कि जिसने चखा वो निहाल हो गया और दूसरों को निहाल करने वाला बन। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाए वैसे वैसे आपकी भूमिका बढ़नी चाहिए अध्यात्म की। आप खिलवाड़ में मत अपने जीवन को नष्ट कीजिए। जब तक बुढ़ापा दूर है, शरीर स्वस्थ है, प्रसन्न मुद्रा में आप निश्चय करो मुझे केवल प्रियालाल चाहे। तनिक भी संदेह नहीं है जो अंतिम समय भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वो श्री भगवान को प्राप्त होता है। इसलिए हमें पता नहीं हमारा कब अंतिम समय है, तो एक ही क्षण निरंतर अंतर रहित तैल धारावत भगवन नाम भगवत स्वरूप मंत्र प्रभु की लीला गुणों के चिंतन में व्यतीत करना है। पता नहीं कौन सा क्षण अंत हो, एक क्षण भी अंतर न पड़े। राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, हमारी जिभ्या पर नाम चलता रहे। अगर कहीं किसी का शरीर छूट रहा है और भगवत प्रेरणा से कोई भगवत नाम जापक पहुंच जाए, उसको नाम कीर्तन सुना दे, उसको भगवान की चर्चा सुना दे, वहां बैठ करके थोड़ी देर मंत्र जप ले, तो उसका निश्चित कल्याण हो जाता है जो शरीर छोड़ने वाला है। इतनी बड़ी महिमा है, अगर वो जीवन में स्वयं ये कर ले तो जरूरत ही नहीं किसी की।
ये जीवन ही इसीलिए मिला है। पर अगर कहीं दुर्भाग्यवश उसने भजन नहीं किया और उसको ऐसा संग मिल जाए, कोई भजन करने वाला अंतिम समय उसके समीप, ये बिना भगवान की हेतु की कृपा के नहीं हो सकता। हेतु की कृपा श्री हरि उस पर रीझ जाए तो ऐसा संयोग बन सकता है। कोई भगवत चर्चा सुना दे, भगवान नाम कीर्तन सुना दे, या वहां समीप बैठकर उसके पास मंत्र जप कर ले, तो उस वैष्णव उस भगवत प्रेमी महात्मा के सानिध्य से उस वातावरण में यमराज के दूत प्रवेश नहीं करेंगे, उसका कल्याण हो जाएगा। प्रभु की स्मृति एन केन प्रकारेण भी हो जाए तो उसका परम कल्याण हो जाए। ऐसे किसी जीव का शरीर छूट गया है और उसको कोई भगवत प्रेमी महात्मा देख ले मुर्दे को, तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, या उसके शरीर के समीप पहुंच करके उसे छू दे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, या उसकी चिता लगाई जा रही हो उसे देख ले, या उसकी अस्थि राख आदि भी पड़ी हो उसको भी छू दे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये कोई जवानी शब्द नहीं, केवल तस्मात् शास्त्रम प्रमाण कलेवरम वा तदभस्म तद्धूमम, उसके शरीर को छू दे, मर गया है पर, या उसका धुआं देख करके अच्छा चिता जलाई जा रही भगवत स्मरण करते हुए देख, उसका कल्याण। या तद्भस्म उसकी जली हुई चिता की जो राख पड़े छू जाए, पैर में छू जाए, वो हाथ से ऐसे छू ले, या उसको परम पद प्राप्त हो जाए। ये भगवान की भगवत प्रेममयी वृत्ति का कैसा महत्व है, देख ले छू ले तो उस जीव को मोक्ष पद भी प्राप्त हो जाएगी, मुक्त हो जाएगा, वो आवागमन में नहीं जाएगा। जब ऐसी महिमा नाम जापक की है तो आप सोचो वो नाम क्या आप नहीं जप सकते हैं। अरे ऐसा सौभाग्य मिला है, चूको मत, किसी की मत सुनो, राधा राधा राधा, बड़ा घाटा हो जाएगा यदि चूक गए, अन्य किसी साधन की तरफ दृष्टि मत डालो। कलिकाल में अन्य कोई साधना सिद्ध हो जाए बड़ा कठिन है। यज्ञ आदि के द्वारा भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना, तपस्या आदि के द्वारा बड़ा कठिन है। प्रकृति का थोड़ा भी प्रतिकूल व्यवहार शरीर सहने की क्षमता नहीं रह गई, बहुत ही कमजोर शरीर हो रहे हैं, कैसे आप तपस्या कर सकते, धर्म क्या है इसका परिचय भूल गए हैं, कैसे कोई भगवत मार्ग में जो अन्य साधन है उन पर चल सके। एक उपाय बचा है, चाहे जैसे हो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, नाम जप। सबसे प्रार्थना है आप अपने कल्याण के लिए न सही, भगवत प्राप्ति के लिए न सही, पर जीवन चैन से जी सके, कोई हमारी रक्षा कर सके, कोई हमें सही रास्ता दिखावे, कोई शांति सुख हमारा ना छिन पाए, ऐसा कोई समर्थ तो होना। इस सृष्टि में एक मार्ग नाम भगवान समर्थ है। सबसे प्रार्थना है जहां तक आवाज पहुंच रही हो या यंत्रों के द्वारा जब आपको एक कान में सुनाई दे, एक घड़ी 24 मिनट या दो घड़ी 48 मिनट आप नियम ले लो, 24 घंटे में एक घड़ी का नियम ले लो, 24 मिनट का 24 मिनट नाम जप कर लो। थोड़ी श्रद्धा बने तो अच्छा, ना बने तो कोई बात नहीं, हमारी प्रार्थना मान करके शुरू कर दो। पूज्य श्री गुरु जी के इस सुंदर प्रवचन से अवश्य ही आपको अपार आनंद मिला होगा। हम सबको प्रभु भक्ति का सुंदर ज्ञान श्री गुरु जी के मुखारविंद से ऐसे ही मिलता रहे और प्रभु की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे, भगवान से यही कामना है। आप सबको प्रेम भरा राधे राधे।